एक लाइन बनाई थी, एक शेप बनाया था मोल्डिंग के लिए, सेम शेप लेते हैं कुछ। मैं अभी इसको कॉपी करूंगा, लाइन यही लाइन मुझे मिरर चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, रोटेट के स्नैप एंगुलर स्नैप में अपने को डालना है 45 एंगल में, प्रेस कर फिलहाल रोटेट। वेट क्रैश हो गया है, 2 मिनट। लाइन बनाए थे हम लोग, नॉर्मल बेसिक शेप बना था लाइन। क्या हुआ वापस? अरे यार यही ना, ठीक है। लाइन अगेन, एक लाइन से मैं फिलहाल बेसिक शेप बना रहा था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा शेप बना रहा था समझने के लिए, क्योंकि वो भी बनाते बेटे क्रैश न हो जाए बस, ठीक है। ऐसा शेप बनाया आपका प्रोफाइल का जो भी शेप रहेगा ना, मोल्डिंग शेप, लास्ट टाइम हमने देखे थे मोल्डिंग के शेप कैसे रहते हैं, वैसे आपको एक शेप बनाना है। देन आपका जो एरिया है कैसा रहेगा, कवर में रहेगा तो आप कवर में ड्रॉइंग करोगे, इसका आउटलाइन बनाना पड़ेगा। मॉडिफाई डाला था बीवेल प्रोफाइल, राइट, ये मॉडिफाई था। अभी जैसे बीवेल प्रोफाइल ऐड करते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया है, जो स्वीप में हम लोग बेसिक कमांड देखे थे, जो जिसके पास ऑलरेडी शेप्स होते हैं, एक कस्टम शेप्स करके था और एक उनके पास जो ऑलरेडी जो शेप्स थे वो थे। यहाँ पे भी उन्होंने ये वर्जन में मुझे दिख रहा है, शायद और 20 में भी हो सकता है, मेरे को 19 में नहीं दिख रहा था, 18 में भी नहीं दिख रहा था। तो ये सब शेप से कुछ नहीं, उन्होंने बेसिक उनका शेप बना के दिखाया आपको, जो उनके पास इनबिल्ड है, जो हम लोग इनबिल्ड बोल सकते हैं उसको। ये देखो, ये अभी दिखते ऐसे दिखता है, क्योंकि मैं साइज उसका मेंशन नहीं कर रहा, इसलिए बहुत छोटा दिख रहा है आपको। आपको कौन सा शेप चाहिए, इसको हाफ सर्कल या आपको खुद का शेप चाहिए? मुझे अभी कस्टम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्लासिकल में जाऊंगा। ओके, लास्ट टाइम मैंने बोला था ना पिक प्रोफाइल करके ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन इधर है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं गया और ये मैंने प्रोफाइल उसको दे दी। अभी मैंने शेप कैसा बनाया उसके ऊपर वो डिपेंड है, बराबर। मैं अगर प्रॉपर मेरा शेप रहेगा जो भी रहेगा तो मुझे वो शेप यहाँ पे मिलेगा। अभी समझो आपको लगता है कि ये शेप मेरा बहुत बड़ा हो गया है, हो सकता है क्योंकि आप विजन से ड्रॉ कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक डायमेंशन में काम नहीं कर रहे होगे, तो अगर आपके पास वो है प्रॉपर डायमेंशन वाला तो नो इश्यू। तो क्या करो, इसको स्प्लाइन में जाना, इसको पकड़ के स्प्लाइन में जाने का और इसको स्केल डाउन करना है, या स्केल आपको छोटा करना है बड़ा करना है। मुझे अभी लगता है कि ये डाउन होना चाहिए। आपका ओरिजिनल शेप को कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता, जो है वही है, खाली मैं छोटा कर रहा हूँ। आप एडिटिंग करना चाहते हो उसके अंदर कि नहीं मुझे अभी ये शेप ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर शेप बनाना चाहिए, मैं इसको चेंज करूँगा तो अपने आप वो प्रोफाइल में भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट्स ऐड करता हूँ,
यहाँ पे बहुत क्रूकेडनेस दिख रहा है अपने को, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँ, इंटरपोलेशन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो एडेप्टिव ऑन करना पड़ेगा। आपका जैसा रहेगा प्रोफाइल वही हिसाब से आप ड्रॉ करो। इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप्स आते हैं, मेरा ओरिजिनल देखते अभी क्या चल रहा है। ओके आया, अभी क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा होता है जब बीवेल प्रोफाइल या स्वीप यूज करते हैं ना हम लोग, तो ये जो साइड फेसेस होते हैं उसके स्टार्ट और एंड, जो साइड दिखता है अपने को ये वाला ऐसा, वो बाजू भी है, ये फील नहीं होता, फील नहीं हो गए। तो उसके लिए अपने को और एक मॉडिफाई इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैप होल। ये आ गया, ब्लैकनेस हट गया। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अगर ये आपके समझो वॉल से बाहर आ रहा है, मतलब पूरे वॉल पर टच नहीं है, साइड में दिख रहा हो, तो आपको ये मॉडिफिकेशन डालना पड़ेगा। आप ये कहाँ पे भी यूज करते हैं, मतलब समझो कोई एक फेस ऑब्जेक्ट का एक फेस गायब है और उसको आपको चाहिए, समझो वहाँ पे फेस चाहिए, तो आप ये कैप होल से भी ला सकते हो। आगे देखेंगे अपने को थोड़ा कभी कभी यूज होएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं अभी कैप होल यूज कर रहा हूँ। कुछ डाउट है, एनी डाउट? नो सर। ओके थैंक्स। नेक्स्ट मॉडिफाई हम लोग देखेंगे, अभी अच्छा मॉडिफाई है अपने पास। ये क्लोथ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बैंड अपना हो गया, देन एफएफडी अपना हो गया, राइट, और स्लाइस वगैरह भी अपना हो गया, स्लाइस हो गया ना, ओके, शेल भी हो गया, टेपर हो गया, ट्विस्ट हो गया। यूवीडब्ल्यू मैप अपने को देखने का है, बट फिलहाल के लिए वो होल्ड पे है, मुझे याद है वो अपने को देखने का है। ओके अभी कुछ समझो बीच में मुझे याद आया तो हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं मेन टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी जाते हैं। चाहे तो आप नोटबुक और किसी को नींद आ रहा होगा तो अभी तुरंत जाके फ्रेश हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देना थी। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले लो, मैं कोई बोलूंगा नहीं, नोट डाउन करो। आपको जो भी लिखना है, जो लैंग्वेज में लिखना है वो लिखो, हमेशा लिखना चाहिए था, पर अभी तुम लोग नहीं लिखते हो, कुछ दिन को मैं देख रहा हूँ, जिस पे भी लिखो बट याद रखना। ओके टॉपिक जो देख रहे वो है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। वो क्या होता है एडिटेबल पॉली, वो अपने को देखेंगे। मैंने एक ये बॉक्स बना दिया, इसके अंदर मुझे सेगमेंट कितने चाहिए वो मुझे थोड़ा सोचने का, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा अपने को विजनर विजन जो होता है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, कि मुझे क्या बनाना है और उसके लिए मुझे कितने सेगमेंट की जरूरत होगी, कौन सा शेप लेना चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल मैं अभी बॉक्स के ऊपर हम लोग बेसिक बेसिक देख रहे हैं, सेगमेंट जो भी चाहिए मुझे तो मैं सेगमेंट पुट कर रहा हूँ। ओके मैंने इतने सारे सेगमेंट डाल दिए, एक 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 मैं ऐड कर रहा हूँ। क्यों करना है सेगमेंट के बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते ना तो सेगमेंट यहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं मिलते, ये पूरे ऑप्शन चले जाएंगे, क्योंकि एक समझो एक नई बाइक, एक बाइक है समझो पुरानी बाइक है, उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद वो वापस पुरानी नहीं होगी, बराबर ना। या कोई मोबाइल आपका समझो डैमेज मोबाइल है, उसको आप लोग पूरा डिस्प्ले डालोगे, अंदर का सब मदर बोर्ड ये वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करोगे तो वो पुराना जैसा वापस नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने सेगमेंट डाले, राइट क्लिक कन्वर्ट टू मेक कर दिया एडिटेबल पॉली, राइट। तो क्या हो गया, इसकी जो सेटिंग थी ना वो पूरी कन्वर्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट पूरा कन्वर्ट हो गया है,
तो मुझे सेगमेंट अभी यहाँ पे वो जो अभी ऑप्शंस थे लेंथ विड्थ हाइट सेगमेंट्स वो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरा टोटल नया आ गया। इसके अंदर जाएंगे या फिर ये ऑप्शन है सिलेक्शंस, या फिर आपको ये चाहिए तो ये ले लो, कहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप वहाँ पे जाओगे। सबसे पहला ये डॉट डॉट दिख रहे उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये दिख रहा है इसको बोलते हैं एज। थर्ड ऑप्शन इज बॉर्डर पॉलीगॉन एंड एलिमेंट, राइट। वर्टेक्स क्या चीज होती है, जब सेगमेंट डाले, जब सेगमेंट एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे थे वहां पे वर्टेक्स नाम की चीज क्रिएट होती है। आप सेगमेंट डालते हो कैसे भी समझो, जो मैंने यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेगमेंट की जरूरत है, और ये समझो ऐसे भी सेगमेंट की जरूरत है तो मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया बाद में नहीं, हम लोग उसको कन्वर्ट करते करते कर सकते हैं। सेगमेंट वर्टेक्स आपको मालूम हो गया वर्टेक्स क्या चीज होती है, एज क्या चीज होती है, जब दो वर्टेक्स के बीच वाली लाइन सेगमेंट, हम लोग ने ये सब चीजें लाइन में भी देखी बराबर। ये एज है, ये एक एज है, ये वाला एक एज है। अभी आप बोलेंगे पूरा एज क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है दूसरे सेगमेंट, उसको तोड़ रहे हैं बीच में, इसकी वजह से वो पूरा कनेक्टिविटी लाइन नहीं दिख रहा। देन बॉर्डर, फिलहाल के लिए बॉर्डर को थोड़ा होल्ड रखते हैं। क्या होता है बॉर्डर, पॉलीगॉन। ओके, ये पूरा चार वर्टिक्स मिलके एक पॉलीगॉन बनता है, चार वर्टेक्स मिलके पॉलीगन बनता है, इसको पॉलीगन बोलेंगे हम लोग। समझो यहाँ पे बीच में कनेक्टेड लाइन बन गई, समझो ऐसे, या ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता, ये पॉलीगन ही हो सकता है, बट उसको बोलते हैं कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बोलते हैं उसको। और एलिमेंट नाम की चीज होती है पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब एलिमेंट। समझो इसको पकड़ के मैंने कॉपी कर दिया एक साइड में, शिफ्ट कॉपी, एलिमेंट को पकड़ के मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसका कॉपी बनेगा वो। बट क्या होता है, जब ये पकड़ के मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये इससे कनेक्टेड ही रहता है, उसको अपने को अलग से डिटैच करना पड़ेगा या उसको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन वही है, डिटैच, राइट। समझा, समझ में आ रहा लास्ट बेंच, आपको समझ में आ रहा पूरा, किसी को डाउट नहीं? नहीं, ये नॉर्मल कॉपी बनता है, ऑब्जेक्ट एक बनता है, इंस्टेंस वगैरह कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली कॉपी करके साइड में रख दिया। सेम चीज मैं पॉलीगॉन में भी कर सकता हूँ, पॉलीगॉन शिफ्ट दबाया और उसको मैंने खींच लिया, ये आपका पॉलीगॉन, वहां से अलग से मैं कॉपी करके बाहर निकल रहा हूँ, क्लियर। ये भी अभी फिलहाल इसके साथ अटैच है, इसको तोड़ना पड़ रहा है तो अपने को डिटैच करना पड़ेगा बराबर, नहीं चाहिए डिलीट, नॉर्मल डिलीट करना है अपने को। अभी बचा अपने पास एलिमेंट, अपने देखना पॉलीगॉन देख लिया, ये बचा है बॉर्डर। बॉर्डर कहाँ पे क्रिएट होता है, देखो मैं कितना भी सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ ना तो बॉर्डर नहीं क्रिएट होता, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलीगॉन सब एक दूसरे से कनेक्ट है, देखेंगे ये देखो, ये यहाँ से इसको कनेक्ट है, फिर यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये देखो एक दूसरे से एक पूरे कनेक्टिविटी है इसकी, इसके वजह से आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा। क्लिक, यहां से मैं पॉलीगन डिलीट मार दिया। ओके, अभी ये कनेक्ट नहीं है, क्यों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट जब आप बॉक्स देखते हो ना तो ये अंदर से हॉलो रहता है हमेशा, अंदर पूरा सॉलिड नहीं था, वो हॉलो था पूरा। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर मिलेगी, ये लाइन दिख रही है, पूरी आउटलाइन सेलेक्ट होगी, एक क्लिक में पूरी आउटलाइन सेलेक्ट होती है, इसको बोलते हैं बॉर्डर। समझा, क्लियर। ये ऑप्शन तो अपने हो गए, नीचे क्या है देखते हैं अभी, सॉफ्ट सिलेक्शन में हम लोग, सॉरी यहाँ पे बराबर। समझो मैंने एक पॉलीगन पकड़ा यहाँ पे, या फिर एक एज पकड़ी, एज, ये एज, एज सिलेक्ट कर दिया। ये सब आपको सिलेक्शन के लिए काम आएंगे, आपको कैसे सिलेक्शन करना है, कौन से टाइप में सिलेक्ट करना ग्रो, तो ये लाइन से जितने भी कनेक्टेड लाइन दिखती है वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने क्या किया था, ये एक ही एज पकड़ा था और मैंने इसको बोल दिया ग्रो, तो क्या होएगा, इसके कनेक्टेड में जो भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और ये नीचे की भी लाइन है, देख एक वन क्लिक में उतने ही लाइन सेलेक्ट कर दिया उसने, जो कनेक्टेड है वही बराबर। अभी मैं इसको ग्रो करूंगा तो क्या होएगा, ये सब लाइन जो चीज सिलेक्टेड है ना,
इसके कनेक्टेड में कितने लाइन है, देखो ग्रो, ये लाइन के कनेक्टेड में ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन थी, बराबर? नहीं, पूरा नहीं हुआ है, देख यहाँ पे नहीं होगा। ये लाइन में कनेक्टेड ये वाली और ये वाली भी थी, ये कनेक्टेड में ये वाली भी थी और ये वाली, नीचे के नहीं सेलेक्ट हुए, क्यों? कनेक्टेड नहीं थे वो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनके बीच में, कनेक्टेड बीच में दूसरी और एक लाइन भी है, इसके वजह से ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, अभी देखते हैं रिंग क्या काम करता है। ठीक है, अभी देखो ये रिंग कैसे काम करेगी, मैं क्लिक करता हूँ रिंग के ऊपर, बराबर? रिंग अपना सर्कुलर रहता है, बराबर है ना, सबके हाथ में रिंग है। ये पूरे सर्कुलर में जो भी दिखता है, जो भी लाइन आएगी वो सिलेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कौन सा टॉपिक नहीं समझ रहे? रिंग, बराबर, ये लाइन मैंने समझो सिलेक्ट किया, बराबर, इसका सर्कुलर पोर्शन ऐसे ही क्रिएट होएगा ना, या ऐसे थोड़ी क्रिएट होगा, नहीं, इसके बराबर पैरेलल में जो भी लाइन दिखती है वो सिलेक्ट होगी, या ऐसे सिलेक्ट होगी क्या? नहीं, ये पैरेलल लाइन हो सकती है, ये पैरेलल लाइन हो सकती है, तो मैं क्या होता हूँ रिंग करता हूँ, तो यही सिलेक्ट होगी, देखो इसके पैरेलल में ये है और इधर नीचे बॉटम में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बराबर, रिंग पोर्शन क्रिएट करता है वो, सर्कल, पैरेलल और सर्कल, ये पकड़ के दिमाग में याद रखना। ओके, ये लाइन सिलेक्ट करते, अभी बोलते हैं लूप। ओके, लूप का मतलब ये जो लूप में है ये कनेक्टेड लाइंस पूरी ओवरऑल ओवर सिलेक्ट हो जाए। ये मैंने पकड़ दी है ये वाली, इसके कनेक्टेड में ये लाइन है पूरी और इसका लूप क्रिएट हो गया, जो रिंग ही क्रिएट हो गया। बट अभी अपना शेप है ना एक बेसिक है, जब कॉम्प्लिकेटेड शेप बनते हैं ना तब दिमाग पूरा डाउन होता है, जब एक एक कैरेक्टर बना रहे हो, गेमिंग का एक कैरेक्टर बना रहे हो, या फिर कोई समझो मूवी का एक, कोई आपने हल्क वेल ये सब मूवी देखी देखी ना, अलग अलग जो एनिमेटेड मूवीज बोलते हैं, VFX मूवीज, उसके अंदर वो 3D कैरेक्टर ही बनाते हैं, वो इसके अंदर भी डिजाइन हो सकता है, वो पॉली में ही बनता। तो अपने को ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जब होता है ना शेप, आड़ा टेढ़ा टेढ़ा बनते जाता है ना, तो अब ये समझ में आता है कि ये लूप क्या काम कर रहा है, रिंग कैसे काम कर रहा है। फंडा एक ही है, फंडा सेम ही है, बट थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हाँ ये लाइन में ये कनेक्टेड है और ऐसा लूप बनेगा या फिर ऐसा रिंग क्रिएट होगा। ये क्यों दिया है सिलेक्शन में, ये सब चीजें क्यों दी है? देखो मैंने समझो इसको पकड़ा, या फिर इसको पकड़ के मैं बोलता हूँ रिंग, ठीक है रिंग, और मुझे यहाँ पे बीच में लाइन की जरूरत है, मतलब एक सेगमेंट की जरूरत है, पूरा सेगमेंट कभी भी बनाते वक्त आप एक, इसका एक रूल है कि आप बीच में ब्रेक नहीं करने का, ये पॉली का रूल होता है। क्यों होता है? अपने यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हम लोग एनिमेट नहीं कर रहे, इसको मूवमेंट नहीं करने वाले, इसके वजह से जब मूवमेंट होती है ना तब ये ऑब्जेक्ट फट जाता है, कनेक्ट नहीं रहेंगे तो फट जाता है वो, मतलब ऐसा दिखता है कुछ, ये समझो ये पॉलीगॉन नहीं है ना, ये पॉलीगॉन ऐसा समझो ऐसा आड़ा चढ़ा या, और ये फटा हुआ दिखेगा ऐसा, ऐसा जब मूवमेंट होगी ना इसकी तो ये फटा हुआ दिख रहा है, ये भी यहाँ पे फटा हुआ दिख रहा है, ऐसा ये ऐसा दिखना चालू होता है, क्यों? कनेक्टेड लाइन नहीं थी, इसके वजह से वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए थे। ओके, एज में मैंने ऑलरेडी इसको रिंग किया था, अभी सेगमेंट की जरूरत होगी तो अपने को ऑप्शन देना पड़ेगा, यहाँ पे है कनेक्ट, ठीक है, ये कनेक्ट के बॉक्स के ऊपर क्लिक करना हमेशा, मतलब इसकी सेटिंग क्या है वो है, आप डायरेक्टली कनेक्ट करेगा तो आपको जो भी सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है वो देगा, अपने को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मैं हमेशा भले मुझे बाय डिफॉल्ट चाहिए या कस्टमाइज चाहिए तो मैं सेटिंग के ऊपर ही जाऊंगा हमेशा। यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूछता है, देखो जैसे मैं कर्सल यहाँ पे लेके जाओ तो कनेक्ट एज में आपको क्या चाहिए, आप बना सकते हो सेगमेंट, पिंच और साइड। ओके, सेगमेंट आपको मालूम है क्या होता है?
सेगमेंट मैंने समझो डाल दिए और मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया सेगमेंट, तो जितने सेगमेंट आप बना सकते हो उसके। ओके और पिंच का मतलब होता है ये जो लाइन्स है एक दूसरे से कितने पास होने चाहिए, इन लोग का बीच का डिस्टेंस सब इक्वल रहेगा, यहाँ पे इक्वल ही होता है, आड़ा चढ़ा कभी बीच में नहीं, आपको वो करना पड़ेगा कस्टमाइज के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देन स्लाइड, ये पोजीशन बराबर है क्या, नहीं मुझे एक साइड में ही चाहिए, तो मुझे मैं एक साइड में कर सकता हूँ। ओके जितने चाहिए आपको आप डालो, 5, 6, 10, 12 जितने चाहिए उतना डाल सकते हो, बट ये सेगमेंट डालते वक्त याद रखना कि आपका सीन हेवी नहीं हो रहा, जितनी रिक्वायरमेंट है नहीं डालेंगे। ओके फिर आप करोगे ये, ओके डन, ये टिक मार्क नहीं चाहिए, सेटिंग मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है मेरे से, तो आप समझो कंफ्यूजन हो रहे हैं और सेटिंग आपको नहीं चाहिए, तो आप ये कैंसिल कर सकते हो उससे, क्रॉस कैंसिल, ओके अप्लाई एंड कंटिन्यू, ठीक है डन हो गया। ओके डन समझा, इतना समझा, अभी किसी को डाउट नहीं बराबर, नहीं लास्ट बेंचर्स कोई डाउट नहीं, को भी नहीं। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट अभी भी, पुणे नो कनकवली नो, ओके अभी अपने को ये एक्सट्रूड देखने का है और चैम्फर देखने का क्या होता है, समझो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल मैं चैम्फर दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एक एज पकड़ते समझो, मैं यहाँ पे और एक बॉक्स बना रहा हूँ, सेगमेंट्स आपको चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो माइनस, मुझे फिलहाल लगता है कि मुझे सेगमेंट की जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके बॉक्स राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, ठीक है कन्वर्ट टू पॉली कर दिया, एज आपको कौन सा एज को चैम्फर चाहिए, चैम्फर आप समझते हो बराबर है, समझो मुझे पूरे लाइन को चाहिए तो मैं ओवरऑल लाइन सॉरी लूप, अभी यहाँ पे देखो ये सब काम नहीं कर रहा है, क्यों लूप भी काम नहीं कर रहा है, रिंग भी काम नहीं कर रहा है, क्यों रिंग काम कर रहा है लूप नहीं काम कर रहा है, देखा ना अभी आपको क्या लगता है क्या हो, क्या हो सकता है, नहीं नहीं मिडल लाइन, यस ये वाली लाइन है ना, ये उन लोग को नड़ रही है उसको, ये अटक रहा है इसको, क्योंकि ये ऐसा सिलेक्ट करने जाएगा तो ये बीच में आ रही है, रिंग हो रहा है क्योंकि रिंग में कोई कनेक्टेड बीच में नहीं आ रहा है इसकी वजह से, अभी मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। देखो मैनुअली फास्ट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा ट्रैक करके कर सकते हैं। ओके देखो आ गया ओवरऑल पूरा बराबर है, 3D में नहीं देख रहा था मैं, इसको हम लोग करेंगे चैम्फर, चैम्फर ठीक है, चैम्फर में गया मैं, मुझे कितना चैम्फर चाहिए ये मैं देखूंगा, इतना चाहिए या इतना चाहिए जैसा डिपेंड है आपके ऊपर, आपको कितना चैम्फर करने का वो आपके ऊपर है, देन मुझे लगता है कि सेगमेंट डालना पड़ेंगे तब जाके वो चैम्फर होएगा क्योंकि उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होती बराबर, अभी चैम्फर थोड़ा और बढ़ाना है कम करना है आपके ऊपर है, सेगमेंट ज़्यादा हो गए ठीक है। ओके डन, अभी मैं क्या करता हूँ एलिमेंट्स इसको कॉपी कर लेते हैं, के बीच में मुझे गैप देना है थोड़ा हल्का सा ग्रूविंग लाइन,
ये बताया था ना मैंने आपको, नहीं बताया था क्या करना है मुझे, इन दोनों के बीच में स्पेसिफिक गैप चाहिए, कोई भी आपका जितना हो सकता है, जो भी अमाउंट है अभी यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट्स गिरे हुए हैं, समझो मुझे 12 का गैप चाहिए या 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, मैं एमएम की बात कर रहा हूँ, इंच की नहीं। तो फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे जीरो अमाउंट होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, मैं ये ऑन करता हूँ, ये एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इन, ओके, ये ऑन करने से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू डिफॉल्ट हो जाएगी 0 0 0, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट लेक्चर में देखा था याद है, ग्राफ पढ़े थे, ग्रिड के बराबर सेंटर 0 0 होता है, वही चीज अभी ये पकड़ रहा है, ग्रिड का सेंटर 0 0 0 बराबर, यहाँ पे फिर वैल्यू मुझे पुट करनी है 6, या फिर ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इसी का एक कॉपी, ये चाहे तो आप बंद कर दो वापस, शिफ्ट कॉपी, ओके, मैं क्या बना रहा हूँ ये आपको दिमाग में चल रहा है कुछ, क्या यही बाउंसर जा रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बना रहा हूँ, कंफ्यूजन, अच्छा विंडो इधर विंडो बना रहे, सॉलिड है यार सर, आप किचन बनाने हो गए ना, समझो किचन बनाना आपको, तो ये वाला फंडा यूज कर सकते हो, मैं स्टोरेज के जो शटर्स होते हैं ना ये बना रहा हूँ, समझा अभी समझा कुछ, देखो क्या बन गया, शटर्स में थोड़ा चैम्फरिंग होता है, एज प्रॉपर शार्प नहीं होती, चैम्फर्ड होता है एज, इसीलिए मैं इसको चैम्फर दिया, अंदर की जो बैक साइड वाले पोर्शन दिखने वाले नहीं है इसको नहीं करेंगे आप, अगर आप करोगे तो वो अनवांटेड सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे, जरूरत नहीं थी फिर भी दिया आपने उसको, आपके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होगा और कुछ नहीं, रेंडर में इतना टाइम लेगा, सब काउंट करते बैठेगा कितने सेगमेंट हेवी होएगा, ये सब चीजें चालू रहेगी, कलर चेंज करता हूँ, ग्रे में समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो चाहिए तो सेगमेंट ऑफ करते, स्मूथ दिख रहा है एकदम ऐसा, फिर इसके बीच में डिवाइड करना है अपने को, मैं पॉली में खेल रहा हूँ अभी फिलहाल, कोई पॉली लिया, कॉपी किया कॉपी किया कॉपी किया कॉपी किया, राइट, यहाँ पे ड्रॉवर्स वाला चाहिए या फिर यहाँ पे ड्रॉवर्स वाला चाहिए, आपका जो भी डिजाइन रहेगा उस हिसाब से, मैं फिलहाल ऐसे विजनरी से कर रहा हूँ पूरा, डायमेंशन आप लोगे ऑटो करने, आपका ड्राइंग्स प्रेजेंट रहेगा प्रॉपर प्लेन, सेगमेंट चाहिए जिसको डिवाइड करना है मुझे बीच बीच में, कितने पार्ट हो गए, मिनिमम 3 पार्ट ही रहते हैं, ये सेगमेंट की जरूरत है फिलहाल, ये इसको टेम्पररी में साइड में ले रहा हूँ ऐसा रख रहा हूँ, देन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मेरे यहाँ पे पड़े हैं इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, या फिर मैं पहले ही करना चाहिए था, ठीक है कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ओके, देन एलिमेंट्स अगेन, ये एलिमेंट्स का कॉपी, ये गैप मैंने कितना डाला था, 1 डाला था, राइट, ये ऑन, अभी वाई डायरेक्शन में -1 करना पड़ेगा, जो पे थी तुला ओके, ये तो बाहर ऊपर कर दो, 2 मिनट जाऊंगा, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, अभी मैं वैल्यू नहीं डालूंगा, देख मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मुझे वैल्यू पुट नहीं करना, क्यों नहीं, कितनी बार वो टाइप करते बैठो बराबर है, मैं क्या करूँगा, इसको एक बार स्नैप दे दिया ये पॉइंट और लॉक कर दिया ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई सिलेक्ट ना हो जाए, मूव नहीं हो जाए, ओके, फिर ये डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए बराबर, ये पॉइंट पकड़ा फिर ये पॉइंट दे दिया, अपने आप डाउन में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, बराबर,
अनलॉक ये पकड़ते हैं और ये पकड़ते, थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर हो गए, और अगेन लॉक, ये पोर्शंस। अगर आपको लगता है कि नहीं इन दोनों में डिस्टेंस कम ज्यादा होनी चाहिए, आप कर सकते हो उसको आपके हिसाब से। मैं इक्वल रख रहा हूँ फिलहाल, होते छोटा होता है फिर थोड़ा बड़ा रहता है, नीचे का बहुत बड़ा रहता है। ओके, पॉली से बाहर आ गया एक बार। जब पॉली में आप अंदर रहोगे ना, ये ब्लू ब्लू मार्क यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन ऑन रहेगा ऐसा, और ये बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, देन आप दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है, ये पॉली के अंदर का जो ऑप्शन होते हैं वो चालू रहते हैं और हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। क्यों? आप ये ऑब्जेक्ट के मॉडिफिकेशन में चले गए तो यही ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होगा या उसी का कोई पार्ट सिलेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट तुरंत सिलेक्ट नहीं होगा। बराबर, ये प्लेन की जरूरत नहीं, डिलीट। ओके, बाकी प्लेटफॉर्म व्लेटफॉर्म आप लोग नॉर्मल बॉक्स ये या फिर पॉली से ही कुछ कन्वर्ट करके आपको लगता है ये स्मूथ रखना है, आप ये कर सकते हो। सेम चीज अभी ये पॉली में हम लोग फिलहाल यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके दूसरा इसमें जाते हैं जो मैं स्प्लाइन में दिखाना चाहता हूँ। ओके, स्प्लाइन में हम लोगों ने शायद वो ऑप्शन पढ़ा भी रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूँ आपको। उसका नाम है एक्सट्रूड। ओके, रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, बराबर है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, बराबर, स्प्लाइन में चला गया, स्प्लाइन, ये स्प्लाइन पकड़ा, ये ठीक स्प्लाइन, ओवरऑल लाइन सिलेक्ट कर दी मैंने। ओके, सेम स्नैपिंग, ऑब्जेक्ट लॉक, ठीक है, डिस्टेंस मैंने, मैं बाय डिफॉल्ट 1 डाल के चल रहा था, मैं 1 ही यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। सेम कॉपी करना है अपने को। ओके, मैं वापस क्या करो, देखो मैं सेम फंडा यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं पॉली में बता रहा हूँ, स्प्लाइन में बता रहा हूँ, आपको जो भी प्रिफरेबल रहेगा वो आप यूज करो। लॉक अनलॉक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं सिलेक्ट कर दिया, लॉक कर दिया उसको, लॉक, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, पास में लेके आऊंगा, फिर डिस्टेंस डालूंगा, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं होती कभी। ये पॉइंट पकड़ा मैंने इसका, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, तो शिफ्ट ये से यहाँ तक मैं लेके आया, तो क्या हो गया, मतलब मैं ये डिस्टेंस है ना ऑलरेडी इसने कवर कर दिया, जब मैं ये पॉइंट पकड़ा था ना तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो गया, मैंने रेफरेंस पॉइंट ये दी, ऑलरेडी डिस्टेंस सेम मेंटेन हो गया, बार बार मुझे अमाउंट डालने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया पंडा क्या है? ठीक है, फिलहाल मैं यही बना रहा हूँ, ये नहीं बना रहा हूँ, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड जितना आपको डेप्थ चाहिए वो हिसाब से आप डेप्थ एड ऑन करोगे। एक्सट्रूड पैरामीटर्स, देन एक चैम्फर मॉडिफायर है, हाँ ये देखो चैम्फर हो गया। आपको लगता है कि स्प्लाइन में एक्सट्रूड देके मुझे चैम्फर देना चाहिए, कोई इशू, कितना चैम्फरिंग चाहिए, एज के हिसाब से आपको कैसा चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कॉर्ड्स में बनाना है आपको तो कॉर्ड्स में ऐसा बन जाएगा, मैं बोला ट्राइंगल ऐसा बनेगा कुछ, फिर टाइप से इसके आपको कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म, रेडियल, पिंच वाला, मुझे लगता है ये यूनिफॉर्म अपना राइट है, और आपका जो भी जितना चैम्फरिंग का अमाउंट रहेगा वो हिसाब से चैम्फर डालो। कौन सा फंड आपको जो प्रिफरेबल लगेगा आप यूज करो, ठीक है, समझा, एनी डाउट, दोनों में कोई डाउट नहीं, बराबर।
ब्रेक हो तो क्या अगर तुम यूज करो और कॉर्ड से कॉर्ड सुना है हाँ हाँ सेम फिर कर ज्यादा देता है बोलते थे सेगमेंट करनी पड़ता है अलग स्मूथ कॉर्स मतलब आपको समझो लगता है कि सेगमेंट देने की जरूरत नहीं है तो मैं ऐसा भी रख सकता हूँ ये क्या मैं कब यूज करूंगा जब मेरा ऑब्जेक्ट कैमरा जो हम लोग एंगल सेट करने वाले वो ज्यादा नजदीक नहीं आ रहा होगा दूर है बहुत खाली अपने को ग्रूज दिखाना है और थोड़ा हल्का सा स्मूथनेस दिखाना है तो आप ये कॉर्स यूज करो वार्डरोब वगैरह ऑर्डर वार्डरोब के शटर्स रहते हैं ना स्टोरेज वार्डरोब्स हो गया उसमें आप यूज कर सकते हो या एकदम पास में कैमरा है नजदीक से कैमरे रखते हैं क्लोज अप एंगल से मारते हैं तो आपको यहाँ पे हमेशा वो स्मूथ होना चाहिए दिखाना पड़ेगा स्मूथ एकदम तो आप ये यूनिफॉर्म रखो और सेगमेंट अच्छे से दे दो उसके अंदर जितने सेगमेंट की जरूरत रहेगी स्मूथ दिखना चाहिए एकदम ऐसा कुछ ऐसा जब पास में से मारते हैं ये कभी आप फर्नीचर मॉडलिंग कंपनी जो रहती है ना फर्नीचर बनाने फर्नीचर डिजाइन कंपनी रहती है से होती है फर्नीचर बनाने वाली आपको जॉब मिल सकती है तो वो पास में रहते हैं एकदम उसका प्रोडक्ट डिजाइन करना है ना अपने को तो प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है उतना क्लोजअप एंगल रहता है तो इतना स्मूथ काम करना पड़ता है ठीक है समझा दोनों में आपको जो फंडा यूज करना है वो करो ये पॉली मॉडलिंग ये स्प्लाइन मॉडलिंग ओके पॉली में और भी है देखते हैं पॉली में और क्या क्या बचा है अपने पास पॉली समझो अभी ये पार्ट को मुझे पुल अप करना है ऊपर उठाना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं उठाऊंगा या कर सकते हो ऐसा बट आपका डिजाइन ऐसा है क्या डिपेंड्स नहीं ठीक है तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा एक्सट्रूड देना पड़ेगा एक्सट्रूड यानी एक्सट्रूड दे दिया आपका एक्सट्रूड का अमाउंट कैसा है डिपेंड्स यहाँ पे टाइप्स है ये बाय लोकल बाय पॉलीगॉन बाय ग्रुप मैं फिलहाल ग्रुप के हिसाब से काम करो ये कभी काम आएगा जब आपका मल्टीपल पॉलीगॉन सेलेक्ट होंगे इतने सारे आपको कैसा टाइप में चाहिए बाय लोकल टाइप में चाहिए था लोकल में कभी काम आएगा जब ऑब्जेक्ट एंगुलर रहेगा एंगल में और वही एंगल में एक्सट्रूड होना चाहिए तब जाके पॉलीगॉन बाय पॉलीगॉन के हिसाब से फिलहाल समझो बहुत सारे पॉलीगॉन रहे ये सब कनेक्टेड है ना मैं इसको ना एंगल में रखता हूँ चलो थोड़ा इसको एंगल देते हैं ऐसा पकड़ के थोड़ा सा ऐसा एंगल देते ओके डन अगेन एक्सट्रूड और मैं बोलता हूँ लोकल नॉर्मल अब एक्सट्रूड करता हूँ समझा कुछ नहीं नहीं ना ऑप्शन दो तीन थे यहाँ पे तीन ऑप्शन थे बराबर है ग्रुप मतलब जो जितने सारे ज्यादा पॉलीगॉन रहेंगे तभी अभी ये अपना ऑब्जेक्ट नॉर्मल है इसके लिए वो डिफाइन नहीं कर पा रहे प्रॉपर लोकल रहता है जब कभी एंगल में रहता है ऑब्जेक्ट आड़ा टेढ़ा ये दुबई के बिल्डिंग्स देखे रहेंगे आड़े टेढ़े बनाते कैसे भी तब समझो एक पार्ट को एक पॉलीगॉन एक्सट्रूड करना रहेगा तभी आपको लोकल में मतलब वो वही एंगल के हिसाब से ही एक्सट्रूड करना है तब जाके ये लोकल काम आएगा बहुत सारे पॉलीगॉन्स है और वो मैं चाहता हूँ वो पॉलीगॉन्स अलग अलग इंडिविजुअली एक्सट्रूड हो जाए ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है इसका तब जाके ये बाय पॉलीगॉन काम आएगा ओके बाय अभी जो हम लोग काम करें वो ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में ही काम कर रहे हैं क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड सीन क्रिएट नहीं हुआ है ओके ये समझा देन अपने को बीवेल देखने का है और इनसेट देखने का कैसे काम होता है इंडू कर रहा हूँ सबको फिलहाल ओके पॉलीगन के अंदर एक एरिया छोड़ के ऑफसेट या फिर आप क्या बोलते हैं ऑफसेट ही बोलते हैं ऑफसेट चाहिए मुझे तो मैं क्या करता हूँ पॉलीगन का ऑफसेट इनसेट का इस्तेमाल करेंगे और कितना डिस्टेंस के ऊपर आपको ऑफसेट चाहिए ओके ये हो गया देन आपको लगता है कि ठीक है बराबर है डन देन
समझो इसको पुल अप करना है या एक्सट्रूड करना है आप, या फिर मुझे बीवेल करना है समझो। ओके, मैंने बीवेल दे दिया, कितनी हाइट है इसकी डिपेंड्स आपका कितना हाइट रहेगा वो, और ये जो पॉलीगॉन है ये आप ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा डिपेंड आपका क्या डिजाइन है क्या बनाना चाहते हो इसके ऊपर डिपेंड, बट ये ऑप्शन से ये चीजें होती है। ठीक है समझा? ओके कोई डाउट नहीं ना फिलहाल? फिलहाल कोई डन? ठीक है, अभी ये जो एलिमेंट है समझो ये बहुत लंबा है, इसमें इसमें डिस्टेंस है, और इनके पॉलीगॉन है ना हमेशा सेम होने चाहिए थे, बट सेम नहीं है फिलहाल। ठीक है जाने दो, कोई इशू नहीं। मैं चाहता हूँ ये पॉलीगॉन, सॉरी ये पॉलीगॉन, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ऑप्शन नहीं था, ब्रिज, ब्रिज करना पड़ेगा, ब्रिज सेटिंग में चले गए, पॉलीगॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? सेगमेंट्स, अपने को सेगमेंट जरूरत होगी, सेगमेंट ऐड ऑन करेंगे समझो, इसके बीच में अपने को ऐसा कुछ बनाना है। ये देखो ये टेपरिंग ऐसा कुछ करना है, ये भी कर सकते हो, टेपर हमने देखा था ना मॉडिफाइड टेपर, ये चीज वही कर रहा है, टेपर नाम ही टेपर है, इसको ट्विस्ट करना है अपने को, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है समझा? ये ऑप्शन थे, ये टेपर और ये प्लीज, ये काम कर रहा है, बट ये स्मूथ का काम करता है ये, एक्चुअली ये स्मूथ ऑप्शन है, और ये ना जो आप टेपर दे रहे होंगे ऐसा काम करेगा ये, देखो कौन सी साइड में टेपरिंग चाहिए था आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा भी बना सकते। हाँ ओके, अभी फिलहाल मैं ये होल्ड पे रख रहा हूँ, मतलब ये यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे थोड़ा थोड़ा है वो देख लेंगे, कि थोड़ा लेंदी टॉपिक है ये सब, ये अपने को थोड़ा ये कट वगैरह चीज एक्सट्रूड अलाइंस ब्लाइंड होते हैं, दो ऑब्जेक्ट से बीच में कनेक्ट चाहिए, कनेक्ट नहीं कर पा सकते, कनेक्ट में मुझे तो सिमिलर दोनों पॉलीगन तब तक कनेक्ट हो। तो